नमस्कार दोस्तों, तो अभी आप लोग सुन रहे होंगे चर्चा में हर जगह स्टार्स प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की एक पहल है आपकी स्टार्स प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के 6 राज्यों को कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए लगभग आपके $500 मिलियन की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक ने। आप लोग याद रखिए कि विश्व बैंक का की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसमें 189 देश आपके मेंबर हैं और Washington DC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्टार्स परियोजना के बारे में अगर हम लोग विस्तार से बात करें तो स्टार्स परियोजना राज्य कार्यक्रमों के लिए शिक्षण अभिगमन और परिणाम की सुदृढ़ता का संक्षिप्त रूप है। स्टार्स परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 6 राज्यों जिनमें शामिल है आपका हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं शासन में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व बैंक के मुताबिक इस परियोजना से भारत के स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से स्कूलों के शासन और विकेंद्रीकृत प्रबंधन को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। स्टार्स परियोजना को केंद्र सरकार की योजना समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। स्टार्स परियोजना के द्वारा उपयुक्त 6 राज्यों के लगभग 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग आपके 25 करोड़ छात्रों और 1 करोड़ शिक्षकों को इससे फायदा पहुंचेगा। स्टार्स परियोजना निम्नलिखित उपायों के माध्यम से वांछित लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी। भारत के उपयुक्त जो 6 राज्य बताए गए, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, इन राज्यों में शिक्षा सेवाओं को जिला स्तर पर प्रत्यक्ष निष्पादित किया जाएगा। शिक्षा सेवा से संबंधित विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से अभिभावकों और विद्यार्थियों की मांगों को संबोधित किया जाएगा। स्टार्स परियोजना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को ट्रेनिंग आदि के माध्यम से सशक्त करेगी। स्टार्स परियोजना के माध्यम से भारत की मानव पूंजी के विकास हेतु शैक्षिक निवेश पर भी अधिक बल दिया जाएगा। स्टार्स परियोजना विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम की चुनौतियों पर भी विशेष बल देगी। ये सभी इसके उद्देश्य होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें इसमें, तो शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की कुंजी है और शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लेकिन हम लोग अभी तक, यानी कि 70 साल से अभी तक, हमारे 1947 से आज तक हमारे दिमाग में सवाल नहीं उठा है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की विकास की कुंजी है। और आज भी देख रहे हैं हम लोग किस तरह से हमारा देश शिक्षा में पिछड़ा हुआ है और हम लोग कितने कम जागरूक हैं। आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए कि आपके अगर बच्चे शिक्षित हैं तो वो जागरूक होंगे, वो देश में योगदान, जो भी नेता योगदान कर रहा होगा उसी के पक्ष में वोट डालेंगे। वो किसी पर्टिकुलर धर्म पर लड़ने या विशेष किसी समूह के लिए लड़ने वाले नेता को कभी वोट नहीं देंगे। और हमारे यहाँ के जो नेता हैं, महान नेता एक तरह से कह लीजिए आप लोग, इनके बारे में जितना महानता कहिए उतना भी कम है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जागरूक हो जाए, और यही कारण है कि हमारा देश पीछे पिछड़ता जा रहा है। हर क्षेत्र में आप देखिए कि हमारा देश कहाँ है। और एक बात और आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि 1947 में जाकर हम लोग आजाद हो जाते हैं, उसके बाद 1949 में आपका चाइना आजाद होता है, और आज चाइना की रैंकिंग देखिए हर मामले में और हमारी रैंकिंग देखिए हर मामले में, आपको अंतर फर्क मालूम चल जाएगा। 1-2 एजेंसियां अगर रेटिंग दे रही हैं गलत तो ठीक है, हो सकता है कि चाइनीज के पक्ष में दे रही हूँ, जब अगर 1000 जितनी भी रेटिंग एजेंसियां आती हैं अगर वो सब हमारे बारे में गलत लिखती हैं तो हमें सोचना जरूरी हो जाता है। चलिए आपके गांव में 2-4 लोग आपका विरोध करें कोई बात नहीं, लेकिन जब पूरा गांव अगर विरोध करने लगे आपका तो आपको अपने अंदर जाग के देख लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कमी है। लेकिन इस बात को हम लोग कभी नहीं मानते और हम डटे रहते हैं, आप अगर झूठ भी हैं तब भी डटे रहते हैं, तो इसी का परिणाम हम लोग भुगतते हैं। समझ रहे हैं, ये हाल है।
अभी भी आप देखते हैं कि बॉयकॉट चाइना का अभी कुछ ही दिन पहले बहुत तगड़े से मतलब इसका विरोध किया जा रहा था। कई लोग अपना फोन फोड़ रहे थे, कई लोग एलसीडियां फोड़ रहे थे। अब मैं देख रहा हूं कि उन्हीं लोगों को मोबाइल उसी कंपनी के खरीद रहे हैं, चाइनीज कंपनी के। एलसीडी भी चाइनीज कंपनी की खरीदी जा रही है। और सबसे बड़ी बात छोड़िए, आप लोग तो मतलब जागरूक नहीं है इसलिए इस तरह के काम कर रहे थे। टीवी चैनलों वालों को देखिए, एक एंकर चिल्ला रहा था कि चाइनीज सामानों को बैन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और मैंने उसके नीचे जो पट्टी रहती है ना, उस पर चाइनीज मोबाइल कंपनी का एड चल रहा था। मतलब आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन नीचे खुद पैसा कमाने के लिए चाइनीज कंपनियों का एड दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं नेता और टीवी चैनल आप किस हालत में, वो कितना आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। या इससे आप लोग शायद परिचित हो जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, भारत ने बीते कुछ वर्षों में देश भर में शिक्षा की पहुंच में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। इन्हीं कदमों का परिणाम है कि देश में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-4-5 में और वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई। हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में यूनेस्को ने कहा था कि भारत समेत विश्व के अन्य देशों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि किसी भी पृष्ठभूमि का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से छूट ना सके। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ आप लोगों से, आप ही सोचिए, क्या हमारे देश में सभी को शिक्षा बराबर मिल रही है? अगर आपको लगता है कि मिल रही है तो एक बार आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का हाल जरूर जान लिया करिए। यानी कि वो कहते हैं ना कि जब घमंड आ जाए तो एक बार शमशान का चक्कर जरूर लगा लिया करिएगा। तो इसी तरह आप लोग, अगर आपके दिमाग में आता है कि सब व्यवस्था ठीक चल रही है, इस सरकार ने ये किया है या फिर उस सरकार ने वो किया है, तो एक बार आप लोग गरीबों की बस्तियों में जरूर घूम लिया करिएगा। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि देखिए, 1947 में हम आजाद हुए तब हमारे देश के सभी नेता पढ़े लिखे थे। आप देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आप देख लीजिए अम्बेडकर साहब को, उनसे पढ़ा लिखा कोई नहीं था उस समय। और इस समय देखिए कि हमारे, और जनता उस समय अनपढ़ थी आपको मालूम होगा, लेकिन इस समय आप देखिए कि हमारे नेता जो है कैसे हैं, अनपढ़, एक तरह से अनपढ़ ही कह लीजिए, किसी को किसी क्षेत्र में ज्ञान नहीं है। अगर कोई अर्थशास्त्री सलाह देता है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं कि आपका जब नेहरू और अंबेडकर साहब की बात, जो भी पीडीआई आपके नेताओं की सब इसी तरह की है। अभी देखिए, अगर आपका कोई अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट सलाह देता है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से बचाया जा सकता है, तो हमारे नेता उस सलाह को नहीं मानते हैं। और बाकी देशों को देखिए, चाइना को फिर देखिए, चाहे सिंगापुर, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, सभी देश हमारे यहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी सलाह ले रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री हैं जो दूसरे देशों को सलाह दे रहे हैं वो तो मान रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो भी सरकार रहती है वो कभी नहीं मानती, वो सोचती है हम ही समझदार हैं। ये हाल वैसा ही है कि एक बाप जब सलाह देता है कि बेटा ये गलत रास्ता है, तो बेटा क्या करता है, उस सलाह को छोड़, उस सलाह को ना मतलब अंधा बिना देखे मना कर देता है और बिना ही परिणाम सोचे उसके उस रास्ते को नहीं मानता है। समझ रहा है? तो यही हाल हमारे यहाँ के राजनेताओं का है। आप ही कभी सोचना कि शिक्षा से अभी भी बहुत बुरी स्थिति है कई क्षेत्रों की। आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे हो सकता है कि वीआईपी स्कूलों में पढ़े, लेकिन बाकी की आप स्थिति देख सकते हैं। एसडीजी और स्टार्स परियोजना, सतत विकास लक्ष्य, याद रखिए इससे क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं हमेशा। तो सतत विकास लक्ष्य 17 को अच्छे से आप, 17 ही पूरे टोटल 17 हैं, इन्हें याद कर लीजिए। ये 2030 तक इनका लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य का चौथा लक्ष्य शिक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने के अवसर पर बल प्रदान किया जाए। इस प्रकार स्टार्स परियोजना सतत विकास लक्ष्य को भी पाने में मदद करेगी। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2015 में एमडीजी की अवधि समाप्त होने पर 17वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17
विकास लक्ष्यों अर्थात SDG को अंगीकृत किया। SDG 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आ गए थे और UNDP की निगरानी में अगले 15 वर्षों तक अर्थात 2030 तक प्रभाव में रहेंगे। मैं अभी कल ही परसों कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दा चल रहा था, मंदिर मस्जिद, और हमारे यहाँ के जो वोटर थे वो चिल्ला रहे थे कि हमें मस्जिद चाहिए, कोई कह रहा था हमें मंदिर चाहिए, कोई कह धर्म के नाम पर लड़ रहा था, कोई धर्म के नाम पर वोट दे रहा था। कहते हैं उस समय केरल एकमात्र राज्य था जहाँ शिक्षा की व्यवस्था की बात चल रही थी, रोजगार की बात चल रही थी, स्वास्थ्य की बात चल रही थी, यानी कि जनता वहाँ वोट देने के लिए कह रही थी जो हमें शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, रोजगार देगा, मैं वोट उसी को दूंगा। जब हमारे यहाँ धर्म को लेकर आंदोलन चल रहा है, उस समय केरल को आप समझ सकते हैं कि शिक्षा को लेकर आंदोलन चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन चल रहा है। और वही आप लोग फर्क देख सकते हैं कि केरल हर मामले में, आप देख लीजिए, केरल हमारे बाकी राज्यों से बहुत नंबर वन पर है। फिर चाहे आय आय के रूप में ले लीजिए आप, फिर चाहे आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति में देख लीजिए। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी देश की तरक्की देखना है तो उसमें महिलाओं का योगदान कितना है उसे देख लेना चाहिए, कितना विकासशील देश है, विकसित देश है, आपको पता चल जाएगा। तो ये हाल है। पीसा और स्टार्स परियोजना। स्टार्स परियोजना अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आकलन का कार्यक्रम में भारत की भागीदारी में भी सहायता करेगा। पीसा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का शिक्षा से संबंधित एक वैश्विक कार्यक्रम है। OECD इसे अपने सदस्य राष्ट्रों एवं गैर सदस्य राष्ट्रों दोनों ही में संचालित करता है। भारत में अगर हम लोग शिक्षा में चुनौतियों की बात करें तो निम्न साक्षरता दर। आजादी के समय देश की केवल 12% आबादी साक्षर थी और जो 2011 में 74% हो गई, लेकिन 84% के वैश्विक औसत से भारत अब भी काफी पीछे। कहने का मतलब है कि विश्व अगर स्तर पर हम लोग देखें, वर्ल्ड स्तर पर, तो वर्ल्ड स्तर में 84% पढ़ी लिखी जनता है, हमारे यहाँ 74। एक बात सोचने वाली है कि जब हम आजाद हुए 1947 में तो केवल हमारी 12% आबादी साक्षर थी। कितनी? 12%। फिर भी मुझे लगता है कि हम लोगों से बेहतर थी सभी जनसंख्या, जो पढ़ी लिखी नहीं थी वो भी हम लोगों से ज्यादा जागरूक थी, ये कह सकता हूँ। क्योंकि उस समय देखिए आप लोग किस तरह से हर किसी के साथ लेकर चलना, हर किसी की मदद करना, हर किसी को का ख्याल रखना, एक मानवता मतलब बनी हुई थी, समझ रहे हैं। फिर चाहे आप लोग पर्यावरण के प्रति ले लीजिए या फिर चाहे आप लोग किसी भी पक्ष में ले लीजिए, सभी जनता एक स्वर से बोलती थी। उस समय आपने देखा है कि पर्यावरण बचाने को भी आंदोलन किए गए। आज हम देखिए, आज हम लोग तमाशा देख रहे हैं बस घर में बैठकर। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। आधारभूत ढांचे की कमी और अन्य समस्याओं के चलते शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। छात्रों के सीखने के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। 7 साल की उम्र के 50% बच्चे शब्द नहीं पहचानते, जबकि 14 साल तक की उम्र के करीब इतने ही बच्चे गणित के सामान्य सवाल भी हल नहीं कर पाते। शिक्षा के प्रति रुझान में कमी। स्कूल की पढ़ाई करने वाले छात्रों में से कुछ ही कॉलेज पहुंच पाते हैं। भारत में शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात भी कम देखने को हमें मिलता है। शिक्षकों की भारी कमी और अनियमितताएं। इस समय देश में शिक्षकों की, यानी कि पढ़ाने वालों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी के अलावा उनकी नियमित तौर पर ट्रेनिंग भी नहीं होती है, जिससे शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित होती है, शिक्षा प्रभावित होती है, एक कह सकते हैं गुणवत्ता में उनकी। अभी कई बार आप लोग यूट्यूब पर कई वीडियो देखते हैं, वायरल वीडियो होते रहते हैं कि उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं है मालूम कि कौन प्रधानमंत्री है, उन्हें अपने स्टेट के CM के बारे में मालूम नहीं है, अपने राष्ट्रपति के बारे में मालूम नहीं है, अपनी राजधानी के बारे में मालूम नहीं है। आप सोचिए वो भी शिक्षक बने बैठे हुए हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिन्हें खुद देश के बारे में मालूम ना हो वो क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को, और उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। मध्याह्न भोजन आदि स्कीम का प्रभावी ना होना। सरकार बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए प्रतिदिन व्यंजन सूची के अनुसार भोजन की व्यवस्था करती है, परंतु धरातल पर यह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ जाती है। सबसे ज्यादा हमारा देश अगर प्रभावित है और बुरी स्थिति से अगर गुजर रहा है तो एक भ्रष्टाचार है।
आप देखिए कि अगर कहीं भी कोटा में, अगर सोसाइटियों में गरीबों को बांटने के लिए जो भी अनाज आता है, फिर चाहे स्कूलों में देख लीजिए आप लोग, आंगनबाड़ियों में देख लीजिए कि जो भी मध्याह्न भोजन आता है उसमें भी भ्रष्टाचार कर देते हैं। मतलब वो भी, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वहां तो कम से कम रुक जाना चाहिए। मतलब वहां भी वो इस तरह के काम कर देते हैं भ्रष्टाचार, तो इसे भी खत्म करने पर जोर देना चाहिए। शिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्यों में संलिप्तता, सरकारी विद्यालयों में तैनात अध्यापक साधारणता पल्स पोलियो, जनगणना, चुनाव जैसे तमाम गैर शैक्षिक कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे वे कक्षा में निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि पल्स पोलियो, फिर जनगणना हो, चुनाव हो, इस तरह के काफी मतलब काम करते रहते हैं शिक्षक ही। आधारभूत शिक्षण व्यवस्था की कमी और स्कूल की दूरी, यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि देश के 30% से अधिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था ही नहीं है, साथ ही 40 से 60% विद्यालयों में खेल के मैदान तक नहीं है। इसके अलावा कई गांव आज भी प्राथमिक शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं। आप देखते हैं ना कि आपके यहाँ कई सुविधाएं नहीं रहती, और सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ अगर प्राइमरी स्कूल है तो उच्च शिक्षा के लिए 10 से 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 10 से 15 किलोमीटर कहाँ कोई अपने बच्चे को भेजेगा, तो ये भी कमी देखी जाती है। ड्रॉप आउट रेट, सर्व शिक्षा अभियान के बाद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन अनुपात 100% के करीब पहुंच चुका है, लेकिन स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा होने के चलते लगभग 57% छात्री प्राथमिक शिक्षा और लगभग 10% सेकेंडरी शिक्षा पूरी करते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन जहां तक गुणवत्ता की बात है तो दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। रूरल अर्बन डिवाइड, गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों के मुकाबले काफी कमजोर है, इसके कारण COVID-19 महामारी में ऑनलाइन शिक्षा शिक्षण प्रभावित हो रहा है। अगर आप लोग, पता है ग्रामीण क्षेत्रों में कभी आप लोगों को इस तरह के सवाल मतलब जवाब ढूंढने की कोशिश करना हो तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जरूर देख लिया करेगा, सोच लिया करेगा उनके बारे में। आप सोचिए अगर इन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए तो हर माँ बाप अपने स्कूल में भेजने के लिए उत्सुक रहेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, उनका बच्चा वहां पढ़ेगा तो क्या उखाड़ लेगा, तो इसीलिए वो नहीं भेजते हैं। समझ रहे हैं? अगर हम लोग सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार कितना भी प्रयास कर ले, अगर निचले स्तर पर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो हमें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जागरूकता होना किसी भी काम के प्रति। सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इन क्षेत्रों में? डिजिटल ई शिक्षा पहल, भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 10 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने ई पाठशाला स्वयं प्रभा की शुरुआत की। भारत सरकार को आशा है कि इस पहल से 2020 तक छात्रों के सकल नामांकन का अनुपात 24.5 से बढ़कर 31% तक पहुंच जाएगा। स्वयं प्रभा, इसके तहत जी सेट 15 उपग्रह के माध्यम से सरकार कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित कर रही है। ई पाठशाला, एनसीईआरटी की किताबें ई पाठशाला की पहल के तहत मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस पहल से गरीब छात्र भी आसानी से अध्ययन कर सकते हैं जो एनसीईआरटी की किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, और यही है आप लोगों को जो सिविल सर्विस में पढ़ने के लिए कहा जाता है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तब आपके लिए रामबाण होती है, इन्हीं की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी। शिक्षकों के लिए दीक्षा पोर्टल, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय HRD ने 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम से दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल पर शिक्षकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इस पोर्टल के जरिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों को नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियां प्रदान करता है। NPTEL कार्यक्रम, NPTEL कार्यक्रम के तहत इंजीनियरिंग विषयों और मानकी विषयों के लिए वेब और वीडियो पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। सुझाव क्या हो सकते हैं उन्हें भी देख लीजिए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता दर में वृद्धि करने की जरूरत है, यानी कि हमें इस क्षेत्र में साक्षरता बनाना होगा तभी लोग डिजिटल शिक्षा से जुड़ेंगे। यद्यपि भारत में नए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए
अनेक प्रयास किए हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए, जैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का विकास, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए अलग से प्रशिक्षण देना, साथ ही विकसित देशों के साथ शिक्षा क्षेत्र में भी समझौते किए जा सकते हैं। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन की जरूरत है, साथ ही स्कूल या फिर कॉलेज की पठन पाठन प्रणाली इस प्रकार तैयार करने की जरूरत है जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान को बढ़ाया जा सके। बढ़ती जनसंख्या और गुणवत्ता शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि आप देखते हैं कि कई तरह से शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। आप देखते हैं कई स्कूलों में तो एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को संभाले होता है, समझ रहे होते हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलिप्तता को समाप्त करने के लिए कड़े नियम के साथ साथ एक अलग से निगरानी निकाय बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा से जुड़ी आधुनिक कक्षाएं बनाने की जरूरत है। बिजली की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिसे पठन पाठन के दौरान कोई परेशानी ना हो। गांव में डिजिटल शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा शिक्षा जगत से जुड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। डिजिटल शिक्षा को तभी साकार किया जा सकता है जब इसके लिए शिक्षा बजट को और बढ़ाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में रुझान बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम को लागू किए जाने की जरूरत तथा जो छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके प्रभावी कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि शिक्षा सामाजिक आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण निर्णायक प्रभाव डालती है। यह देश के मानव संसाधन की उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि करने बाद देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की क्षमता पूर्ण वितरण की संभावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र के संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ कर सकें। सीधा सा आप भी जानते हैं कि अगर किसी को शिक्षित कर दिया जाता है तो वो अपने विकास में योगदान तो करेगा ही, साथ में देश की जीडीपी में बढ़े, यानी कि देश के विकास में भी योगदान बराबर करेगा। तो ये कहानी आपकी शिक्षा की है।